बाद आपका स्वागत है। क्या ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे 26 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा या फिर इसी तरह से स्टे लग जाएगी? सारी रसाकसी अब इस बात पर आठ की है कि मुस्लिम पक्ष चाहता है किसी तरह ज्ञानवापी का सर्वे ना शुरू हो पाए, मगर हिंदू पक्ष को उम्मीद है सच सामने आकर ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी दबाने की कोशिश की जाए। हिंदू पक्ष का पूरा जोर अब उन तहखानों के दरवाजे खुलवाने और सर्वे करवाने पर है जो कई सालों से बंद पड़े हैं और वहां सनातन आस्था के चिन्ह होने का दावा किया जा रहा है। जब जब ज्ञानवापी के अंदर कैमरा गया, तब तब मुस्लिम पक्ष बेचैन हुआ। सोमवार को भी चार घंटे के सर्वे ने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि अभी तो बेचैनी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिली तो ज्ञानवापी परिसर का 4 अगस्त तक एएसआई सर्वे होना है। इस दौरान ज्ञानवापी से जुड़े इतने सबूत मिल सकते हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे को मजबूत बनाते हैं, और यही डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में दूसरी बार शुरू हुए सर्वे के दौरान चाबी देने से मना कर दिया। मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि जिस तरह पश्चिमी हिस्से में सोमवार को कैमरा घूमा, अगर उसी तरह पूरे परिसर की वीडियोग्राफी हुई तो ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जो पिछली बार के सर्वे के दौरान सामने आई थी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मस्जिद के जिस हिस्से का इस वक्त सर्वे किया जा रहा है उसकी जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये 3 गुंबज है। गुंबज के जो पश्चिमी दीवार है वहां पर जो सर्वे की टीम है वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर लगातार जो सर्वे का काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 से 3 जो लोग हैं वो जो सर्वे की टीम जो एएसआई टीम के सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं।